हेलो भाइयों, कैसे हो। तो भाई, मैंने कल बोला था ना कि आज के मैच में ना दुबे चलने वाला है, ना ही यहाँ पर रॉबिन उथप्पा चलने वाला। मैंने बोल दिया था वीडियो में ही। अगर मैं वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि हम दोनों ने चलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, मैंने कल के मैच में जो प्रेडिक्शन किया था, उसमें से ना 80% प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। भाई, मैंने बोला था कि आज के मैच में गुजरात मैच को विन कर सकता है, ऐसे मुझे लगा था। और मैंने बोला था कि भाई टॉप ऑर्डर फ्लॉप करेगा गुजरात का, और ऐसा ही हुआ। और किलर मिलर को दोस्तों, आप लोग ये पंट पिक हो सकता है, इसको आप लोग लेना जरूर, छोड़ना मत टीम में, ऐसे ही हुआ। और फ्रेंड्स, कल के मैच में मैंने काफ़ी अच्छा खासा विनिंग किया। और आपको आज के मैच में विनिंग करना है तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस प्लेयर क्यों ले रहा हूँ, किस प्लेयर को मैं क्यों यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का दोस्तों जो मैच है फ्रेंड्स, ये होने वाला है राजस्थान और कोलकाता के बीच में। फ्रेंड्स, हम इस मैच के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स जो चल सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर जो फ्लॉप नजर आने वाले, साथ में पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, साथ में टॉपिक्स मतलब और प्लेयर्स बैटल, सब कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो क्या, चलिए यहाँ पर बात करें पहले प्रीव्यू की। तो फ्रेंड्स, ये जो मैच है आज फ्रेंड्स खेला जाए आपको शाम को 7:30 बजे से। आपके बात करें दोनों टीम्स की, तो फ्रेंड्स लास्ट मतलब कि बात करें पहले राजस्थान की, तो फ्रेंड्स राजस्थान यहाँ पर ना 5 मैच खेली, 5 में से 3 मैच जीत के यहाँ पर आई है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये फिलहाल वो यहाँ पर कितना 5वीं पोजीशन पर है। और उन्होंने लास्ट गेम में गुजरात के खिलाफ हार गया था 37 रन से। ठीक है, उन्होंने 193 का टारगेट चेस नहीं कर पाया था। वहीं जो बात करें कोलकाता के दर्शन, कोलकाता के यहाँ पर ना काफ़ी मिक्स जर्नी रहा है। उन्होंने यहाँ पर लगातार 3 मैच यहाँ पर स्टार्टिंग में जीता था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर लगातार 2 मैच हार गया। और लास्ट मैच दोस्तों हैदराबाद उनको 7 विकेट से हरा दिया था, 175 का काफी चेस कर लिया। और उसके बाद में मतलब कि जो कहते हैं ना कि जितना तेज से गाड़ी भागना होती है, रुक भी गया गाड़ी। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है। अगर फ्रेंड्स बात करें मैच डिटेल्स की, तो फ्रेंड्स मैच दोस्तों जो है आपको हो जाएगा बारबोडने स्टेडियम मुंबई में होने वाला है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, मैंने पहले बोल दिया है। आप इसको स्टार्स पर और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर। आप गाइस बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो फ्रेंड्स दोस्तों जो पिच है ना गाइस, यहाँ पर पिच दोस्तों यहाँ पर बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे होते इस पिच पर बैटिंग का काफ़ी मदद मिला था। और ऐसा आज के मैच में ऐसा कि लगने वाला ऐसा हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर पेसर्स को फ्रेंड्स काफ़ी स्पेस मिलने वाला है और बाउंस मिलने वाला है। एंड गाइस जब जो टीम पहले टॉस करेगी या बॉलिंग करने की कोशिश करेगी, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये 185 दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सेफ स्कोर रहने वाला है। आगे बाद इंजरी, तो फ्रेंड्स फिलहाल कोई इंजरी अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। भाई बात करिए यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो देवेंद्र पर्टिकल, जॉस बटलर, राशि फोर्न डूसन, संजू सैमसन, रविचंद्रन अश्विन, सिमरन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, जेमी निशम, रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, यजुन चहल, ये सब प्लेइंग 11 राजस्थान के। वहीं कोलकाता की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, एरन फिंच, इंद्रेश राणा, श्रेष्ठ अय्यर, सेल्वन कॉट जैक्सन, आंड्रे रसल, सुनील नारायण, पैट कमिंस, अमन हकीम खान, उमेश यादव, अरुण चक्रवर्ती, ये सब प्लेइंग 11 कोलकाता के। वहीं कहीं मैंने कुछ टॉप प्लेयर्स को पिक कर रखा, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में रखना। गाइस जो पहला प्लेयर गाइस वो है श्रेष्ठ अय्यर। गाइस श्रेष्ठ अय्यर ने फ्रेंड्स 151 रन मारा 6 मैच में इस सीजन में, और फिर उसका स्ट्राइक रेट रहा 139 का, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहा है। एंड भले लास्ट मैच फ्लॉप गए थे, बहुत दोस्तों अच्छे फॉर्म में उसको टीम में रखना। सिमरन हेटमायर का हेटमायर नहीं फ्रेंड्स 197 रन मारा इस सीजन में, और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहा है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है 177 का, और इसको टीम में दोस्तों रखना आप लोग। ऑलराउंडर दोस्तों बात करते हैं आंड्रे रसल क्यों रखना है, भाई मैं कुछ नहीं बताऊँ, खुद ही समझ आना आप लोग। उसको यजुन चहल दोस्तों, चहल हर एक मैच में विकेट निकाल रहे हैं, एक दो विकेट हर एक मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो आज निकालेंगे इसको टीम में रखना। उमेश यादव का जी, उमेश तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल हाईएस्ट विकेट टेकर कोलकाता के लिए है। हाँ भले उनको लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं मिले, बट अच्छा प्लेयर है, अभी टीम में रखना। जॉस तो बॉस को क्यों रखना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आपको पता है जॉस तो बॉस को क्यों रखना, जिनके रन 272 मारा 5 मैच में और 152 का। अगर बात करें रिस्की कैप्टन चॉइस कौन हो सकता है, तो फ्रेंड्स आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, यहाँ पर अश्विन को ट्राई करना रिस्की कैप्टनसी में। अगर 3-4 विकेट ले लेता तो अच्छा कैप्टनसी का ऑप्शन हो सकता है। उसको शेडलन जैक्सन की भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इसको, बट ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, आज आप इसको यहाँ पर जीवन निशम या शायद से ट्रेंड बोल्ट का जगह खेले थे लास्ट मैच, बट दोस्तों उन कुछ खास कर नहीं पाए, बट दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर फिर से बोल्ट आज के मैच में खेलने वाला है। ठीक है, तो गाइस मैंने एनालाइज कर लिया, चलिए टीम को चूज करते हैं। तो गाइस क्रिएट टीम पर मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन से बटलर है, सैमसन है, जैक्सन है। ठीक है, 3 ऑप्शन से विकेट कीपर का। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, अगर बैटिंग कोई भी पहले करे बटलर को, तो भाई मैं लूँगा भाई टीम में, ये तो भाई मैं लूँगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता।
मैं आज सैमसंग पर थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं सैमसंग को मैं वो ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक टीम में आप लोग रखना बटलर को, एक टीम में रखना सैमसंग को, बट मैं सैमसंग फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अच्छे फॉर्म में, लास्ट मैच में हो गए थे रन आउट, बट अच्छे फॉर्म में है, आप इसको रखना, दोनों रखना पॉसिबल शायद नहीं है, एक मैच में इसको, एक मैच इसको रखना, फिलहाल मैं बटलर को लेकर चलता हूँ। आते बैट्समैन में तो श्रेयस अय्यर दोस्तों मैं लूँगा, हेटमायर को लूँगा, एरन फिंच अच्छा है, ब्रो ड्रॉप करता हूँ मैं इसको, नीतीश राणा को लूँगा और दीपक पटेल को लूँगा, मैं बोलूँगा चार बैट्समैन को फ्रेंड्स, क्योंकि क्या आज का ना बैटिंग पिच, ठीक है, आज का दोस्तों जो बैटिंग पिच थोड़ा रहने वाला 180 प्लस का स्कोर बनेगा, इसलिए मैं ज़्यादा बैट्समैन को ले रहा हूँ। आते ऑलराउंडर में तो यहाँ पर आंड्रे हर्शल को लूँगा, पैट कमिंस, वेंकटेश अय्यर, निशम, काफ़ी सारा है, तो यहाँ पर देखिए हर्शल को तो मैं लूँगा ही, तो ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पैट कमिंस को ले लेता हूँ, मैं वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा खराब फॉर्म में चल रहा है और उतना अच्छा खासा कर नहीं रहता, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। आते बॉलर में तो बॉलर फ्रेंड्स चहल को मैं लूँगा, कहीं उमेश यादव में थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं इसको नहीं लूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ट्रेंड बोर्ड को देता हूँ, ट्रेंड बोर्ड से खेलते आज खेलेंगे तो इसको ले रहा हूँ मैं, और ये चाहते तो कुछ खास नहीं है, मैं के सेन को रिस्क लेता हूँ, और यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ किसको, चलिए उमेश यादव को ले लेता हूँ, चलिए ठीक, चार बॉलर मेरे पास में हो गया। अब बात करें कंटिन्यू करते टीम्स की, टीम की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार मेरा टीम रहने वाला है। आओगे यहाँ पर बात करें कैप्टन के, तो फ्रेंड्स अगर आपको सेफ जाना है ना, तो सेफ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा, जॉस बटलर बिल्कुल सेफ कैप्टन का आपका ऑप्शन है बटलर, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और सेफ ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको हेटमायर बिल्कुल सेफ कैप्टनसी का ऑप्शन है। वाइस कैप्टन के सेफ की बात करें तो नीतीश राणा वाइस कैप्टन सेफ है, वेंकटेश अश्रेस वाइस कैप्टन सेफ है, ठीक है, और रिस्की जाना है, रिस्की कर लो क्या करना फ्रेंड्स, और ट्राई करना उमेश यादव को, गाइस आपको पता होगा उमेश यादव ने लगातार मतलब कि स्टार्टिंग मैच में 3-4 विकेट निकाले थे स्टार्टिंग में ही, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी थे, बट इस साल बाकी उसके बाद से उतना नहीं निकाल पाया, बट अच्छे प्लेयर है, ये हो गया। और ट्रेंड बोल को ट्राई करना कैप्टनसी में रिस्की में, वाइस कैप्टन ट्राई करना अर्जुन चहल को, और यहाँ से वाइस एन को ट्राई करना वाइस कैप्टन रिस्की में, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर एक और टीम में देता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना कि बटलर को सॉरी यहाँ से बॉलर को सैमसंग ले लेना, बैट्समैन में हेडमार्क पर रिस्क लेकर इंच पर थोड़ा रिस्क लेना, ठीक है, और पडिपकल को छोड़ के यहाँ पर वन एडिशन में रिस्क लेना। ऑलराउंडर बात करें तो रसल को ड्रॉप करके वेंकटेश अय्यर को ले लेना, और कमिंस को यहाँ पर रहने देना, कमिंस को विकेट्स निकाल दे देता। बॉलर में उमेश यादव को ड्रॉप करके यहाँ पर सुनील नारायण को ले लेना, बोल्ट को ड्रॉप करके यहाँ पर क्या करना कि एक और बॉलर है फास्टर कहाँ गया ये एक खान को ले लेना, ठीक है, तो इस प्रकार का एक और टीम हो जाएगा। इसमें दोस्तों कैप्टनसी की बात करें तो संजय सैमसन ठीक रहेगा कैप्टनसी का, और श्रेयस अय्यर कैप्टनसी का ऑप्शन रहेगा, और वाइस कैप्टन के लिए पैट कमिंस ठीक रहेगा इधर से, और नीतीश राणा वाइस कैप्टन के लिए सेफ रहेगा। रिस्की में जाएगा तो ये चारों में आप लोग रिस्की का ऑप्शन हो सकता है, रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा रिस्की में थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल ये मेरी टीम है गाइस, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।